स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में एमपी इंग्लिश क्लासेस आपके लिए लाया है लेसन 4 चिल्ड्रन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आप इनको समझें और अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है तो क्या होता है? What happens when the poet looks at the children playing? क्या होता है बच्चों को खेलते हुए देख करके कभी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको अच्छे से याद करना। आंसर है, when the poet looks at the children playing, जब कभी बच्चों को खेलते हुए देखता है, the questions, तो जो प्रश्न हैं that perplexed him, जो उसको perplex करते हैं, परेशान करते हैं, have vanished away, वो सब अब गायब हो गए हैं। उसकी सारी चिंताएं, सारे प्रश्न चिंताओं के उसके मन में जो थे जीवन को लेकर के, वो सारे vanished away, गायब हो चुके हैं जब वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू द विंडोज ओपन, खिड़कियाँ कहाँ खुलती हैं। आंसर है, द विंडोज ओपन टुवार्ड्स द मॉर्निंग सन, तो खिड़कियाँ मॉर्निंग सन, सुबह के सूरज की तरफ खुलती हैं। और सूरज कहाँ से आता है? ईस्टर्न से, पूर्वी दिशा से। आप पोइम का वीडियो देखें अच्छे से, आपको सारे क्वेश्चंस, कोई भी आप क्वेश्चन आंसर जब समझें तो उससे पहले एक बार आप पोइम का वीडियो जरूर देख लें, तो क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के दिल में, हृदय में क्या होता है। इस पोइम के सारे क्वेश्चन आंसर वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर याद कर लें, आता ही है पेपर में क्वेश्चन इसमें से। तो बच्चों के हृदय में क्या होता है? आंसर है, बर्ड्स एंड सनशाइन लाई इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन, पक्षी और सूर्य का प्रकाश बच्चों के हृदय में होता है। चौथा क्वेश्चन है, What does the poet compare to the caresses of the children and their looks? कभी बच्चों के caresses माने चुम्बन, बच्चों के जो किस करते हैं वो गाल पर, छोटे बच्चे बड़े लोगों को, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कभी बच्चों के चुम्बन और उनका जो लुक होता है, उनका जो चेहरे का दिखना होता है, बड़ी मासूमियत होती है, तो उसकी तुलना किससे की है कभी ने? आंसर है, द पोइट कंपेयर्स देम विद ऑल अवर प्लान्स एंड विजडम ऑफ अवर बुक्स, कवि उनकी तुलना विद हमारी सारी योजनाएं जो आदमी करते हैं जीवन में, चतुर योजनाएं, प्लान बनाता है, सारी योजनाएं और जो विजडम है, बुद्धिमानी है, जो किताबों में भरी पड़ी है, उससे वो कवि तुलना करता है बच्चों की। पांचवा क्वेश्चन है पार्ट ए का, विच लाइन्स ऑफ द पोइम चिल्ड्रन डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई। चिल्ड्रन जो पोइम है हमारी, उसमें कौन सी लाइन है डू यू लाइक मोस्ट, जिनको तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, जो तुमको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, एंड वाई, क्यों? तो क्वेश्चन ये है, तो कौन सी लाइन अच्छी लगती हैं आपको और क्यों लगती हैं? चलिए आंसर देखते हैं। I like the following lines of the poem most. मैं निम्न लाइनों को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये लाइनें मेरी पसंद हैं। आप यदि चाहें तो बच्चों दूसरी लाइनें जो आपको अच्छी लगती हैं इस पोएम की, वो भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है कौन सी लाइनें आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं, तो आपको जो लाइनें पसंद हों वो आप लिख सकते हैं। मुझे जो पसंद है वो मैं ये लिख रहा हूँ जो पोएम के लास्ट में आई हैं, क्योंकि इन लाइनों में उसने, कवि ने सारी समरी जो पोइम की है, जो वो कहना चाह रहा है, वो लाइनों में दी है। ये लाइनें कौन सी हैं? ये आर बेटर देन ऑल द बैलेड्स दैट एवर वर संग और सैड, फॉर ये आर लिविंग पोइम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। कवि कहता है, ये माने बच्चे, तुम बच्चे बेटर हो ऑल द बैलेड्स, सभी जो पुरानी कथा कहानियों वाली कविताएँ होती हैं, बैलेड्स होते हैं, उन सबसे ज़्यादा बेहतर हो तुम, जो
कभी किसी ने गाई होंगी, कभी किसी ने कही होंगी, ऐसे बैलेड्स जो कविताएं जिनमें कि कहानियां भरी होती हैं, उन सबसे बेहतर हो तुम बच्चे, फॉर ये आर लिविंग पोएम्स, क्योंकि तुम तो जीती जागती कविताएं हो, एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। और बाकी सब जो बैलेड्स कविताएं हैं वो सब तो डेड हैं, निर्जीव हैं, मृत हैं। तो ये लाइन है, आप इसमें बच्चों का कितना वैल्यू, कितना महत्व बढ़ा दिया है आप देखिए, इसलिए ये लाइनें अच्छी लगती हैं। इसका कारण भी लिखा है नीचे, आई लाइक दीज लाइन्स, मैं इन लाइनों को पसंद करता हूँ बिकॉज, क्योंकि दे ट्रूली रिप्रेजेंट, वे वास्तव में प्रस्तुत करती हैं द इनोसेंट सुपीरियरिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की जो मासूमियत होती है उसको श्रेष्ठता के साथ में ये लाइनें प्रस्तुत करती हैं। चलिए पार्ट बी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पोइट एंड एंड व्हाई, कवि की समस्याएं कब खत्म हो जाती हैं और क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखें, व्हेन द पोइट हियर्स द चिल्ड्रन एट प्ले, जब कवि बच्चों को खेलते हुए सुनता है, उनकी आवाजें सुनता है, हिज प्रॉब्लम्स एंड, उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बिकॉज क्योंकि ही फील्स हैप्पी, क्योंकि वह खुशी महसूस करता है, एंड बिकम्स फ्री, और वो फ्री हो जाता है किन चीज़ों से, फ्रॉम दोज क्वेश्चंस, उन प्रश्नों से दैट परप्लेक्स्ड हिम, जो उसको परेशान करते हैं, उन सभी प्रश्नों से वो मुक्त हो जाता है, खुश हो जाता है बच्चों को खेलते हुए सुन करके। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, समझना अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आया है ये, हाउ डज द पोइट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट ऑफ चिल्ड्रन, कभी अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से कैसे करता है, कभी अपने हृदय की तुलना बच्चों से कैसे करता है, ये आप पोइम को देखें तो उसमें पता लगेगा। इस आंसर में हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप समझ लें इसको, कैसे तुलना करता है वो, कंपेयरिंग हिज हार्ट विद दैट ऑफ चिल्ड्रन द पोइट सेज, अपने हृदय की तुलना बच्चों के हृदय से करते हुए कवि कहता है, दैट द हार्ट्स ऑफ चिल्ड्रन हैव बर्ड्स, कि बच्चों के हृदय में बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, और पक्षी होते हैं इंथुजियाज्म यानी उत्साह का प्रतीक, एंड सनशाइन, और बच्चों के हृदय में सनशाइन होती है, सूर्य की रोशनी होती है, जो काय का प्रतीक होती है फ्रेशनेस का, तरोताजापन का, इन देम, तो इन देम बच्चों में, उनके हृदय में पक्षी यानी उत्साह, सूर्य की रोशनी अर्थात फ्रेशनेस, ताजगी, ये होती है, बट इन हिज हार्ट, परंतु उसके दिल में, कवि के दिल में, ही सेज, वो कहता है, ब्लोज द विंड ऑफ ऑटम, पतझड़ की हवा बहती है, जो कि ओल्ड एज, बुढ़ापे का प्रतीक है, एंड इट हैज द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और ये पहली जो बर्फ गिरती है उसका भी प्रतीक है, और पहली बर्फ जो है वो काय का प्रतीक होती है, डलनेस का, यानी कि निराशा, चिंता, इसको मान सकते हैं डलनेस, तो निराशा और चिंता का प्रतीक होती है ये बर्फ। तो कवि के दिल में ताजगी, फ्रेशनेस नहीं है जो बच्चों में होती है, एंथुजियाज्म नहीं है, उत्साह नहीं है, उसकी ओल्ड एज है, वो डलनेस है उसमें अंदर, तो इस तरीके से तुलना की है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वॉट हैज द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन बीन कंपेयर टू, डू यू एग्री विद द कंपेरिजन, बच्चों के उत्साह जो उनके अंदर ग्लैडनेस है, खुशी उल्लास, उसकी तुलना किससे की गई है, क्या आप उस तुलना से सहमत हैं। आंसर है, द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज बीन कंपेयर्ड टू द विजडम ऑफ बुक्स, बच्चों की खुशी की तुलना किताबों की बुद्धिमता से की गई है, यस दिस कंपेरिजन इज एप्ट, हाँ ये तुलना पर्याप्त है, बिकॉज क्योंकि ट्रू विजडम इज द सोर्स ऑफ जॉय, वास्तविक जो बुद्धिमानी होती है वो आनंद का ही स्रोत
स्रोत होती है। चौथा क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट से, कवि क्यों कहता है, दैट द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, कि बच्चे सभी जो बैलेट्स होते हैं, बैलेट माने कविता, ऐसी कविता जिसमें कि पुरानी कहानियां होती हैं, कथाएं होती हैं, गांव में गाई जाती हैं, तो सभी प्रकार के बैलेट्स जो कविताएं गाई जाती हैं उन सबसे बच्चे बेहतर हैं, ऐसा कवि क्यों कहता है। आंसर है, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, कि बच्चे उन सभी बैलेट्स से बेहतर हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे देमसेल्व्स आर लिविंग पोइम्स, क्योंकि वे खुद जीती जागती कविताएं हैं, लिविंग पोइम्स हैं, व्हाइल ऑल द अदर पोइम्स एंड बैलेट्स, जबकि जो दूसरी अन्य कविताएं हैं और बैलेट्स हैं वो लाइफलेस हैं, निर्जीव हैं, तो बच्चे तो जीती जागती कविताएं हैं, तो ये तुलना की है, बेहतर बताया है बच्चों को सभी बैलेट से। पांचवा क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें आया है, 2011 में आया है, आ सकता है, किताब से एक्स्ट्रा है, व्हाट डज द पोइट वांट द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स, कवि क्या चाहता है बच्चों से कि वो उसके कानों में फुसफुसाएं, विस्पर माने फुसफुसाना, तो क्या चाहता है कवि कि बच्चे उसके कानों में क्या फुसफुसाएं। आंसर है, द पोइट वांट्स द चिल्ड्रन टू विस्पर इन हिज ईयर्स, कवि चाहता है कि बच्चे उसके कानों में फुसफुसाएं, व्हाट द बर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग, कि पक्षी और हवाएं क्या गा रही हैं, इन देयर सनी एटमॉस्फियर, उनके जो सुबह होती है तो सुबह सनी एटमॉस्फियर होता है, यानी सूरज उगता है, तो सूरज के इस वातावरण में पक्षी और हवाएं क्या गा रही हैं वो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते हैं, कभी कैसा लगता है, तो वो बच्चों से जानना चाहता है कि बच्चे धीरे से मुझे बता दें, दुनिया सुन न ले, कि वास्तव में पक्षी और हवाएं क्या गा रही हैं, क्योंकि वास्तविक स्रोत जो है खुशी का वो वही होता है, तो ये कवि उनसे जानना चाहता है। तो बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें। कुछ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं, इसलिए ये मैं बता दूं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे सारे वीडियो आपके मोबाइल के ईमेल आईडी के इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। कभी कभी व्हाट्सएप से हम आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, तो डायरेक्ट आपके मोबाइल पर जब नेट होगा तो पहुंच जाएगा मेरा वीडियो, चाहे ग्रामर का हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो, कोई से भी हो, तो इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप आगे अपनी पढ़ाई इंग्लिश की जारी रखना चाहते हैं तो आप इस चैनल MP इंग्लिश क्लासेस को, जो आपको दिख रहा है उसका नाम, ये यहाँ वीडियो के नीचे आपको दिखेगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के नीचे इस तरीके से आपको दिखता है, ये लाइक करने के लिए है, इसको आप दबा दें, लाइक हो जाता है इससे। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप इसको दोस्तों को शेयर कर दें, और इससे आप वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे तो आप ऑफलाइन, जब नेट नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऑफलाइन भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इससे ये सेव हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका सब्सक्राइब, ये MP इंग्लिश क्लासेस का हमारा मोनो है, इस मोनो से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं, ये मोनो दिखेगा, MP इंग्लिश क्लासेस आप डाल दें, सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, आप चैनल की कैटेगरी में जाकर के सर्च करेंगे तो जल्दी मिलेगा, ये सब्सक्राइब जरूर दबा दें, सब्सक्राइब करने से ही आपकी वीडियो आपके मोबाइल पर आएंगी, और इसके बगल में आपको घंटी जैसी छप रही होगी यहाँ पर मेरे मोबाइल में, क्योंकि मेरा चैनल है तो यहाँ नहीं दिखेगी, पर आपके मोबाइल में दिख रही होगी, तो उस घंटी को आप टच करेंगे तो आपको 1, 2, 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें ऑल लिखा होगा, उस ऑल पर आप टच कर देंगे तो सारे वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक, तो जल्दी से ये आप कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर करें,
थैंक यू।